ओम शांति। 23 जुलाई 2021, बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। प्रश्न: त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर: आत्मा को स्मृति आई, हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत: मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार बनना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं, शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे, फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। बच्चे जानते हैं, हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थीं, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना? अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो, अभी तुम बाप दादा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो, इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं। वहाँ रावण होता नहीं, हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाती हैं। अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे, जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंच ते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच ते ऊंच रहने वाले हो। अभी
तुम बच्चों को घर की याद आई है, हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप, शिव की पूजा होती है तो सालीग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है, और कोई बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है, उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं। बाबा, आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं, तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है, यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ यह किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो, वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे, हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है, जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसीलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को हैं, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था, तुम बच्चों को स्मृति आई है बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था, और कोई भी यह बात बता नहीं सकते हैं।
बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो हैं देह अभिमानी। यह है बेहद की बात, देही अभिमानी बनना है। हम असुल आत्मा ही हैं। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है, बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, यह भूल नहीं जाना है। माया कितने विघ्न डालती है, बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है, मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है, हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है, कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना, यह भी देहे अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है, कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है, हम तो आत्मा हैं, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो, ऊंच ते ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबर वार पत्ते आते हैं, यह भी ऐसे है, ऊपर से नंबर वार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख ना सके। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना, आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है, बाप ज्ञान का सागर है, जो तुमको बैठ समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, यह भी उनका पार्ट नुंधा हुआ है, तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट है, तुम दुख सुख का पार्ट बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो, बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो, आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं, आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है, मनुष्य बहुत माथा मारते हैं, देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि यह है अति सूक्ष्म।
छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। झाड़ की भी अब जड़जड़ीभूत अवस्था है, यह भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे। तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए। आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है, इसीलिए पुकारती है हे शांति देवा। यह थोड़े ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं, यह किसको पता नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया। वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं, कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग हैं। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नरक फिर से रिपीट करेंगे। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे, यह अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को हैं। ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी, अब फिर रिपीट होगा। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं, ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने?
समझाया जाता है, पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है, ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं, फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं हैं। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है। ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ यह पाठ पक्का करना है। दूसरा, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलाए मान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहां तक बनी है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा, इस स्मृति से कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।